नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं देवेश्वर उपाध्याय। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर चल रहे आंदोलन में फूट पड़ती जा रही है, जिसका नतीजा ये है कि एक के बाद एक किसान संगठन इस आंदोलन से दूरी बना रहे हैं, यानी कि किसान संगठनों के नेताओं के बीच अविश्वास की खाई और गहरी होती जा रही है। 26 जनवरी को दिल्ली में उपद्रव के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के साथ संसदीय कोर कमेटी के नेता लगभग गायब हो गए हैं, जबकि राकेश टिकैत जैसे किसान नेता जो कोर कमेटी में थे ही नहीं, उनके दो बूंद आंसुओं ने उन्हें नायक बना दिया। लाल किले पर हुई हिंसा के बाद से अब तक कई किसान संगठन अपना आंदोलन समेटते हुए आंदोलन का इन दिनों मुख्य चेहरा बने राकेश टिकैत पर कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं। चाहे भारतीय किसान यूनियन भानु के अध्यक्ष भानु प्रताप की बात हो या फिर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष वीएम सिंह की, ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने आंदोलन छोड़ते हुए राकेश टिकैत पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी बीच कोर कमेटी में शामिल हरियाणा में सक्रिय भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने राकेश टिकैत पर एक ऐसा बयान दिया है जो चर्चाओं का विषय बन गया है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अपने एक बयान में कहा है कि राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन की अवधि को लेकर मजाक किया है। पंचायत के बाद चढ़ूनी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी जीत नहीं होती। वह राकेश टिकैत के 2 अक्टूबर तक आंदोलन चलने के बयान पर चढ़ूनी ने कहा है कि टिकैत के बयानों से किसान संयुक्त मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा है कि टिकैत ने 2 अक्टूबर तक आंदोलन चलने वाले बयान पर शायद मजाक किया है, लेकिन इसमें संयुक्त मोर्चा का कोई रोल नहीं है। दरअसल खबर तो यह भी है कि किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में हिस्सा लेने के बजाय कांग्रेस और गैर बीजेपी विपक्ष के नेताओं की बैठक की अध्यक्षता की। इससे नाराज मोर्चा की 6 सदस्यीय कमेटी में चढ़ूनी के खिलाफ जांच कमेटी गठित की गई। इससे चढ़ूनी चिढ़ गए। ऐसे में चढ़ूनी समर्थकों ने सवाल उठाए कि जब हन्नान मुल्ला मार्क्सवादी पार्टी के एमपी रहे हैं, पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं, योगेंद्र यादव की अपनी पार्टी है, तो केवल चढ़ूनी को राजनीतिक नेताओं के संबंध के आधार पर क्यों निशाना बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर इतना तो साफ है कि अब नाम का ही आंदोलन चल रहा है, बाकी इस आंदोलन के नेताओं में जो फूट पड़ी हुई है वो साफ साफ इशारा कर रही है कि अगर ऐसा ही रहा तो जल्द ही ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।